आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महासमुंद जिले के सरायपाली अनुविभागीय अंतर्गत भवरपुर पिरदा मोड़ बड़े साजापाली तक 17 किलोमीटर सड़क उन्नयन और चौड़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है और इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा आदित्य कंस्ट्रक्शन कोरबा को ठेका दिया गया है। 34,60,00,000 की लागत से 10 मीटर चौड़ी रोड का कार्य होना है जिसे ठेकेदार को 16 माह में पूरा करके देना है। ठेका कंपनी द्वारा जहां कार्यस्थल पर ना तो सूचना फलक बोर्ड लगाया गया है तो वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से ठेका कंपनी आदित्य कंस्ट्रक्शन के द्वारा पुराने रोड के डावर को पूरी तरह ना उखाड़ कर खानापूर्ति करते हुए गुणवत्ताहीन सामग्रियों का उपयोग कर जहां सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर 10 मीटर चौड़े रोड निर्माण में आ रहे बड़े बड़े हरे भरे वृक्षों को बिना किसी सक्षम विभाग से अनुमति लिए जेसीबी से उखाड़ा जा रहा है और काटा जा रहा है, जबकि नियमानुसार उसके लिए सक्षम विभाग के पास आवेदन कर वृक्षों की प्रजाति और संख्या की सूची तैयार की जाती है और उसके बाद अनुमति को लेकर वृक्षों की कटाई कर उन वृक्षों के बड़े बड़े गोलों को शासकीय डिपो में जमा कराया जाता है। ग्रामीण भी बता रहे हैं कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य जो कराया जा रहा है उसके लिए ही बड़े बड़े वृक्षों को जेसीबी से उखाड़ा गया है। बसना वन विभाग के अधिकारी का भी कहना है कि उनके पास न ही पेड़ उखाड़ने या काटने के लिए कोई आवेदन आया है और न ही कोई अनुमति दी गई है। सूचना मिलने पर वे स्वयं भी मौके पर निरीक्षण करने गए थे जहां बड़े बड़े वृक्षों को जेसीबी से उखाड़ा गया है और काटा गया है क्योंकि वह क्षेत्र राजस्व सीमा में आता है, इसीलिए वन विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन यदि उन वृक्षों को या लकड़ियों को परिवहन बिना अनुमति के किया जाता है तो वन विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। वहीं बसना तहसीलदार ने बातचीत में बताया कि उनके पास भी किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं आया है और न ही उनके विभाग से कोई अनुमति दी गई है। वह अपने विभाग के कर्मचारियों को भेजकर जांच करवाएंगे और यदि गलत हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी प्रोटोकॉल का हवाला देकर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते हुए चर्चा में बताया कि पेड़ उखाड़े गए हैं लेकिन अनुमति ठेकेदार द्वारा ली गई है या नहीं यह उन्हें नहीं मालूम, जांच कर पता करेंगे। कुल मिलाकर एक बात साफ होती है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए और ठेकेदार के द्वारा की जा रही मनमर्जी को रोक पाने में कहीं न कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले की जानकारी होने के बाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई कर पाते हैं या नहीं। सरायपाली से अंजोर यादव की रिपोर्ट। का नाम है जी? तो फागुलाल। जमदारा। फागुलाल जी, जमदारा जो रोड गया है, रोड के किनारे में दुनिया भर का पेड़ कटा है, बड़ा बड़ा पेड़ कटा है, गिरा हुआ है, कौन किया है? हाँ, रोड वाले किया है सर। रोड के रोड बने गए हैं? हाँ हाँ। कहाँ से कहाँ तक? भंवरपुर रोड से साजापाली। अच्छा, पूरा नया रोड बनेगा? हाँ। तो ठेकेदार काटा है इसको? हाँ हाँ। इतने सारे पेड़ सब उसी के द्वारा काटे गए हैं? हाँ हाँ। ये काट के ले जाते हैं, छोड़ दिए हैं? छोड़ छोड़ दिए भी हैं सर। लेके भी आते हैं क्या? हाँ। नहीं नहीं, लेके नहीं गए हैं। कहाँ से काटे हैं लोग? ये सब खेत खेत वाला मान लो ना, अपना अपना ये में छीन लो जी कहके उखाड़ उखाड़ के तो खीन छीन के किसानी मानने रखे रखे। ये मशीन ले कटे हैं? नहीं नहीं, जिस बीच में आयला उखाड़ गए। रोड वाला, रोड ठेकेदार। सर आपका परिचय? मैं बीरेन्द्र कुमार पाठक, आर्य बसना। पाठक जी, भंवरपुर से बड़ा साजापाली जो है सड़क का कार्य चल रहा है और देखो मेरा भी सड़क के किनारे और भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई की गई है, जानना चाहेंगे क्या परमिशन लेके काटा गया होगा? नहीं, ये रोड जो कट रहा है, बन रहा नया रोड, इसमें पेड़ को काटा गया है। मैंने कल निरीक्षण किया था परंतु वो हमारे वन क्षेत्र में नहीं आता है इसलिए हम उसमें कार्यवाही नहीं करते। हाँ, वो परिवहन करते समय पकड़ाएगा तो उसको कार्यवाही की जाएगी वन विभाग द्वारा और उसमें अभी तक की कोई परमिशन या कोई सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं है कि बड़े साजापाली भंवरपुर से बड़े साजापाली तक का जो रोड निर्माण किया जा रहा है उसमें से झाड़ काटने का कोई किसी प्रकार का परमिशन नहीं आया है। झाड़ बहुत सारे कटे हुए हैं। आप जो बता रहे हैं कि वो पेड़ कटे लेकिन आपके क्षेत्र में नहीं आता, तो किस क्षेत्र में आता है? वो राजस्व क्षेत्र में पड़ रहा है। तो क्या निर्माण कार्य के लिए बिना परमिशन के ठेकेदार या विभाग पेड़ काट सकता है? अब वो उसकी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे क्षेत्र में है, हमने हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं आया, हमारे रेंजर साहब और हम लोगों ने निरीक्षण किया है
तो हमारे क्षेत्र का नहीं आता है। परिवहन करते समय कल ही एक गाड़ी पकड़ाई है, वो कहाँ का लकड़ी है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर कल एक ट्रैक्टर हम लोग पकड़े हैं। लेकिन अगर पेड़ काटना है तो संबंधित विभाग से परमिशन लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहे राजस्व विभाग हो चाहे वन विभाग हो, तो उसका सूचना लेके ही झाड़ को काटने का परमिशन दिया जाता है कलेक्टर साहब द्वारा, SDM साहब द्वारा और हमारे यहाँ DFO साहब के द्वारा। आपके विभाग में कोई सूचना नहीं? हमारे विभाग में अभी तक कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की। खबरों में अब तक ये बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BBC Live।